यस मैं इंडिया से हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है। पासपोर्ट दिखाऊं? कैसे तो है मैं इंडिया से आया हूँ, आपकी बसेस दिखा रहा हूँ, जबरदस्त बसेस हैं। चला क्यों नहीं बिल्कुल। और कोई चाय पानी? बहुत थैंक यू। अरे भाई साहब जबरदस्त यार। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त गफार मुसाफिर एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करता है। तो मैं हूँ अभी पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान की बसेस की आपकी सैर करवाई थी, डाइवो मैंने आपको दिखाई थी। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की डाइवो ही सबसे ज़बरदस्त बस सर्विस है, लेकिन अभी मैं हूँ नियाजी अड्डा पे, लाहौर टर्मिनल नियाजी अड्डा पे हूँ। और यहाँ से ये मेरे पीछे आप बसेस देख सकते हो, कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त बसेस दिख रही हैं। यहाँ से आज हम सफ़र कर रहे हैं फैसलाबाद का। 168 या 70 है कुछ ऐसा, इतना ही सफ़र हमें करना है और इतने किलोमीटर्स का सफ़र हमें करना है। और साथ में आपको बसेस की सैर भी करवाएंगे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बसेस के। हमारी बस नंबर कौन सी है? पहले हम अपनी बस ढूंढ लेते हैं। मैं तो चाहता हूँ हमारी बस ऐसी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं है जो टिकट हमें मिली है वो ऐसी बस की है या नहीं। एक बंदे की टिकट 900 रुपए की मिली है। अरे भाई साहब जबरदस्त यार, सुपर बस सुपर बस। सर आपकी बसेस बहुत जबरदस्त है, मैं इंडिया से आया हूँ, आपकी बसेस देखने के अंदर आके देख सकता हूँ? जबरदस्त बस है भाई, एक बार पहले बाहर से देख लीजिए, ये नियाजी अड्डा है, जबरदस्त। दिल खुश हो गया जनाब आपकी बसेस देख के। अरे वाह सुपर सुपर सुपर, आ हा हा हा, लाजवाब भाई, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने जितनी भी चीजें देखी मैक्सिमम लग्जरियस दिखी। हाँ बाइक की मैं कह सकता हूँ, बाइक उतनी हैवी नहीं दिखी मुझे अभी तक, कुछ थोड़ी सी दोस्तों की दिखी थी, लेकिन बसेस का कोई मुकाबला नहीं है भाई, जबरदस्त बसेस आप देख सकते हैं, जबरदस्त। सर आपकी बसेस बहुत जबरदस्त है साहब, दिल खुश हो गया आपकी बसेस को देख के। अच्छा ये होता है ड्राइवर कैबिन जी, इस ये ऑटो बस होती है, इसमें तीन चार गियर लगते हैं, छह गियर लगते हैं। ये एसी का सिस्टम है, ये टॉप लोडर के जरिए भी एसी का सिस्टम है ये। ओके बढ़िया है जी, बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, मजा आ गया। इसको थोड़ा बंद करेंगे, आप खोलेंगे? ये भाई देख लो, जबरदस्त सर जबरदस्त, थैंक यू। तो ये है भाई नियाजी अड्डे पे बसेस जो दिखी मुझे। मैं कह रहा था डाइवो की अच्छी सर्विस है, ऐसा नहीं है कि डाइवो की अच्छी सर्विस नहीं है, वो भी जबरदस्त सर्विस है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये नियाजी अड्डा की बसेस भी देख सकते हो, ऐसा ही है जबरदस्त। तो हमारी बस ये है, ये है जनाब हमारी बस। हाँ हाँ ठीक है। सीट नंबर क्या है हमारा? आप कैसे? मैं इंडिया से आया हूँ, आपकी बसेस दिखा रहा हूँ, जबरदस्त बसेस हैं। क्यों नहीं बिल्कुल। और कोई चाय पानी? बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये माइक का यूज भी करते हैं सवारियों के लिए? बिल्कुल करते हैं। ओके जी बढ़िया बढ़िया। ये देख सकते हैं ड्राइवर्स की प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है यहाँ पे। कैप नहीं होती आपकी? होती है कैप भी। कैप भी होती है? हाँ कैप भी हमारी। ओके जी ठीक है। ये हमारे कंपनी के इंचार्ज हैं। अच्छा बहुत अच्छे कुलीग हैं हमारे। अच्छा कुलीग हैं? हाँ बहुत अच्छे। इधर आप भी साथ आओ। ये आपकी कंपनी के इंचार्ज हैं? इंचार्ज है हमारे। क्या कंपनी है आपकी? बशीर सर। ओके ये कंपनी वाले हैं जो आदा पैसेंजर्स को गाइड करते हैं, ये मशल बहुत अच्छे हैं ये भी। अच्छा बढ़िया जी। तो ये है हमारे साथ जी एकदम रेडी, आपको जबरदस्त। आप तो कुछ बड़े ऑफिसर लग रहे हैं।
अब इंशाल्लाह सर सानी नाम के होने से हम प्यार करते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके, सारे हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं। मुझे गले लगाओ ना फिर इंशाल्लाह। आप भी करते हो तो गले लगाओ, ऐसे गले लगा के प्यार किया जाता है। अभी हम बस के अंदर एंट्री करते हैं। ये सारे के सारे बंदे फैसलाबाद जा रहे हैं। सीट नंबर मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिए। बस मैं क्या मेरे दोस्तों के नहीं, ये है अलमीरा इसकी 31 और 32, यही वाली है। आप उस तरफ ये वाली है, आपने कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें लेनी है उधर हो जाए खाने के लिए। हाँ ठीक है, नहीं कुछ नहीं लाना है खाने के लिए। तो बैठ गए सीट पे और आज आपको लाहौर टू फैसलाबाद की जर्नी करवाते हैं। खुद भी मज़े करेंगे और आप लोगों को भी मज़े करवाएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, ये सामने बीच में आपको लड़की घूमते हुए दिख रही है, ये है बस की कंडक्टर। फ्रेंड्स चल रहे हैं, बस हमारी चल पड़ी है और थोड़ी सी मैं आपको बस की ओर सैर करवा देता हूँ। तो भाई साहब अभी मैं बिल्कुल आके कंडक्टर बन गया हूँ, आप मुझे शीशे में देख सकते हो। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से मोटरवे, हमारी हाईवे होती है, हाईवे बोलते हैं, और यहाँ पे जो हाईवे होती है उसको मोटरवे बोलते हैं। तीन गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से चल सकती हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी तीन गाड़ियाँ चल सकती हैं। बिल्कुल डोर के पास आके बैठ गए हो। बारी नहीं, नहीं लाइव नहीं चल रहा, सेट करेंगे। हाँ इसको बाद में सेट करूँगा। हाँ ये माइक रखा हुआ है, इसमें माइक में अनाउंसमेंट भी करते हैं जब कुछ पैसेंजर्स को बताना होता है तो यहाँ पे करते हैं। ये आपका वीज़ा टेक्निकली करके कितने देर का होता है? मेरे को एक महीने का वीज़ा है। एक महीने का? हाँ। देख जो हमारा सलाम है वो हमें ये सिखलाता है। हाँ जी, हम इंशाल्लाह पूरा मन इंशाल्लाह वक्त गुजारने वाले सलाम बहुत अच्छा ये सिखलाता है, इंसानियत से मोहब्बत करना सिखलाता है। और जो इस्लाम के रास्ते में आता है अगर रुकावट बन कर फिर उसके खिलाफ हो जाता है, फिर उसके साथ जहाद है वो जाता है। मतलब इस्लाम जो है ना पुर अमन सुकून है इंशाल्लाह ताला। आप इसमें कुछ बोलेंगी? अनाउंसमेंट करती है। क्या अनाउंसमेंट करी थी? आवाज कम आ रही थी पीछे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के कर लो ना एक बार। हाँ फिर से। हाँ की, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से चल रही है गाड़ी क्योंकि इस रोड की वजह से, रोड बहुत ज़बरदस्त है भाई। कैसे जा रहा है सफ़र, नींद आ रही है? नहीं जा रहा, हम लोग जा रहे हैं।
सफ़र तो वहीं पे स्टिल है, लाहौर वहीं पे है, फैसलाबाद वहीं पे, हम लोग स्टिल नहीं है। यस मैं इंडिया से हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है? पासपोर्ट दिखाऊं? ये मैम को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इंडिया से हूँ। ये देख लीजिए, आगे नहीं आपकी फोटो नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं फोटो नहीं दिखा। इंडिया पसंद है आपको? इंडिया की कौन सी जगह पसंद है? गवर्नमेंट वालों की है या प्राइवेट बस है? ये प्राइवेट है। तो वैसे पूछना नहीं चाहिए आप लोगों को, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है प्राइवेट है? आपको सैलरी गवर्नमेंट तो नहीं देती ना? नो नो, ये जो ड्राइवर होते हैं ये ट्रिप देते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं ना, वो पैसेंजर्स के जो मतलब पैसे वगैरह देते हैं ना। ओके, उनको मनी दे देते हैं। कितनी सैलरी होती है आप लोगों की यहाँ पे? ट्रिप होती है, एक ट्रिप में कितना देते हैं? 430। ओके, यहाँ से आपको आने का 430, फिर जाने का 430। ओके ओके, मतलब 850। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया से हूँ, और इनको बहुत अच्छा लगा इनको जब पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, और अच्छे तरीके से बात भी करें। इनको इंडिया भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोग विजिट भी करना चाहते हैं। ये स्पेशल मेरे लिए लाई आपने? आपके लिए आप स्पेशल गेस्ट हैं। थैंक यू। पूरे पाकिस्तान से आपको इसी तरह मोहब्बत मिलेगी, ये कन्फर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको पता चलेगा कि आप हिंदुस्तान से आए आपको इसी तरह मोहब्बत मिलेगी। ये मेरे लिए स्पेशल जूस दिया बस की जो कंडक्टर मैडम है उन्होंने लाया, पहले तो पानी था वो सबके लिए था लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल। थैंक यू पाकिस्तान। तो भाई साहब हमारा सफ़र है जो फाइनली ख़त्म हो गया, 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम आ गए। बस मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखाई, बहुत अच्छा सफ़र था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपने। बैठो हम इधर 2 मिनट आपको चाय पिलाते हैं। नहीं सर, मुझे जाना है नुसरत फ़तेह अली खान की जो श्राइन है ना सर, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, जानते हैं ना आप उनको? जानते हैं, गज़लों के बादशाह। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी भाई हमारी बस, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे इसके अंदर जो भी सामान रखते हैं उसका टोकन नंबर होता है, टोकन नंबर देते हैं सामान रखते वक्त, और बाद में जब सामान निकाला जाता है तो टोकन नंबर वापस लेते हैं। बाकी फैसलाबाद वालों स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो कह रहा था जनाब फैसलाबाद वालों स्वागत नहीं करोगे, तो फैसलाबाद को मैं थोड़ा सा खास खास जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पे फैसलाबाद सिटी भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, फैसलाबाद क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन अगली वीडियो में दूंगा। आज का मेरा जर्नी था लाहौर से यहाँ तक फैसलाबाद तक, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी लगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों को फ्री में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भर के बताइएगा कैसा रहा ये सफ़र। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इंपॉर्टेंट मैसेज,
बच्चे थोड़े से अगर बच्चे बात करना चाहें। हाँ भाई ओए, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।